धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के थाना सेक्टर एक के अंतर्गत पुलिस ने चोर गिरोह को पकड़ा है। क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 2 आयसर ट्रक, 2 पिकअप वाहन, 2 बाइक सहित लोहे की मशीनें, करीब 1 करोड़ कीमत का माल जब्त किया है। आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। कई थानों पर इन पर चोरी और डकैती के मामले दर्ज हैं। नगर पुलिस अधीक्षक तरुणन सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से पीथमपुर क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदात लगातार जारी थी। जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर पुलिस की एक टीम गठित की गई। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हाई पर कुछ बदमाश बैठे हुए हैं जो रेवा फूड प्रोडक्ट कंपनी में डकैती योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से पीथमपुर में फैक्ट्रियों में भंगार चोरी और वाहन चोरी घटनाएं लगातार हो रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदि प्रताप सिंह ने इसकी रोकथाम के लिए एक विशेष यूनिट बनाई थी, जिसमें लोकेश भदौरिया और ASI राजावत और उनकी टीम ने इसमें काम करना चालू किया। कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गायला रोड पर कुछ बदमाश बैठे हुए हैं जो रेवा फूड प्रोडक्ट कंपनी में डकैती बनाने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ा तो 6 आरोपी उसमें मिले और छवों आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो अभी तक 2 आइसर, 2 टाटा मैजिक और 2 मोटरसाइकिल और रेवा फैक्ट्री में विगत दिनों चोरी की 50 लाख रुपए कीमत की कीमत का मसूबा अभी तक बरामद कर लिया गया है। थाना किशनगंज, थाना पीथमपुर, थाना बेटमा में भी इन लोगों ने चोरी की वारदातें की हैं, जिसके लिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। कितने आरोपी पकड़े हैं सर? अभी तक 6 आरोपी पकड़े गए हैं। कुल कीमत कितनी होगी? 1,10,00,000 रुपए की कीमत के अभी तक मसूला बरामद किया गया है। अन्य आरोपियों की भी सर तलाशी इनके साथ और भी कोई सम्मिलित है? इसमें जो भंगार बेचने काम भंगार लेने काम करते हैं उनको भी इन लोगों ने बताया है, उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही है। अच्छा सर, क्षेत्र में कई भंगारी इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनकी सर्चिंग होगी? सर्चिंग होगी और इनके आरोपियों के निशानदेही पर कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।